अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम देखेंगे टॉपिक इस्लाम एंड मॉडर्निटी इन ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो इसमें हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म एंड द डिसमिनेशन ऑफ मुस्लिम लर्निंग इन द वेस्ट। इस्लाम और जदीदियत की मौजूदा दुनिया में इस्लाम जदीदियत का अरूज, इस्लामी जदीदियत की ज़हनी और सियासी, इक्तसादी, समाजी और तालीमी एस्पेक्ट्स और मगरब में मुस्लिम तालीमात की तरवीज को। सो इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इस्लाम फेसेस द चैलेंज ऑफ मॉडर्निटी व्हाइल ट्राइंग टू मेंटेन इट्स कोर वैल्यूज। मगरब में मुस्लिम जो तालीमात की तरवीज है, यानी मौजूदा दुनिया में इस्लाम जो है वो जदीदियत के चैलेंज का सामना कर रहा है, जबकि अपने बुनियादी इकदार को, वैल्यूज को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। सो इस्लामी जदीदियत के उभार किस तरह से हुआ, इसके मुख्तलिफ पहलू जिसमें ज़हनी, सियासी, इक्तसादी, समाजी और तालीमी पहलू आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और मगरब में मुस्लिम तालीमात की तरवीज को के ऊपर भी बहस करेंगे। सो द इमर्जेंस ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, इस्लामी जदीदियत का उभार क्या है। डेफिनेशन ऑफ इस्लाम मॉडर्निज्म, इस्लामी जदीदियत की तारीफ क्या है। इस्लामिक मॉडर्निज्म रेफर्स टू अ मूवमेंट अमंग मुस्लिम थिंकर्स दैट सीक्स टू रिकंसाइल इस्लामिक बिलीफ्स विद मॉडर्न वैल्यूज, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। इट एम्स टू अडॉप्ट इस्लाम टू कंटेम्प्रेरी लाइफ व्हाइल रिमेनिंग फेथफुल टू इट्स टीचिंग्स। इस्लामी जदीदियत एक ऐसी तहरीक को कहते हैं जिसमें मुस्लिम मुफक्किरीन इस्लामी अकायद को जदीद इकदार, ख्यालात और तरीकों के साथ हम आंग करने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करती है कि इस्लाम को मुआसर जिंदगी के मुताबिक ढाला जाए, जबकि इसकी तालीमात के साथ ये वफादार रहें। देन हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं, इसका तारीखी पस मंज़र। तो इस्लामी जदीदियत की जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो 19वीं और 20वीं सदी के आखिर में मिलती हैं, जब मुस्लिम जो सोसाइटी है, मुस्लिम माशरों ने इस्तेमाली निज़ाम, इक्तसादी चैलेंजेस और सकाफती तबादलों का, उन्होंने तब्दीलियों का सामना किया। देन इन्फ्लुएंशियल फिगर्स लाइक जमालुद्दीन अफगानी एंड मोहम्मद अब्दुल एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन इस्लामिक थॉट एंड एजुकेशन, एम्फसाइजिंग द नीड टू इंटरप्रेट इस्लामिक टीचिंग्स इन लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज एंड साइंस। बहुत से बाअसर शख्सियात जैसे जमालुद्दीन अफगानी, मोहम्मद अब्दा ने इस्लामी फिक्र और तालीम में इस्लाहात के लिए वकालत की और जदीद इल्म और साइंस की रोशनी में उन्होंने इस्लामी तालीमात की तशरीह की ज़रूरत के ऊपर भी जोर दिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके गोल्स ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, यानी इस्लामी जदीदियत के मकासद क्या हैं। इसके मकासद हैं रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन, एम्पावरमेंट, यानी इस्लाह करना, इंटीग्रेशन, इंजमाम और बाख्तियार बनाना। तो इस्लामी जदीदियत के हामिल लोग जो हैं वो इस्लामी तालीमात को जदीद साइंसी, फलसफियाना और समाजी तरक्यात के मुताबिक नई शक्ल देने की कोशिश करते हैं। और इंटीग्रेशन क्या है कि वो इस्लामी इकदार को जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक और जदीद तालीम के साथ मिलाने का हदफ रखते हैं। एम्पावरमेंट, बाख्तियार बनाना, द मूवमेंट फोकसेस ऑन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू इंगेज विद द मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट लूजिंग देयर इस्लामिक आइडेंटिटी। सो ये तहरीक अफराद और जमातों को जदीद दुनिया के साथ शामिल होने के लिए बाख्तियार बनाती है, जबकि उनकी इस्लामी शनाख्त भी बरकरार रहे। देन इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, इस्लामी जदीदियत के ज़हनी, सियासी, इक्तसादी, समाजी और तालीमी पहलू। तो सबसे पहले हम इन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जिसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। तो इस्लामी जदीदियत तनकीदी सोच और आज़ाद इतिहाद की हौसला अफजाई करती है, तो जिसमें मुसलमानों को जदीद मसाइल के साथ अकली तजर्बे के जरिए शामिल होने की तलकीन करती है। देन इंगेजमेंट्स विद अदर डिसिप्लिन्स, बाकी जो शोबे हैं उनके साथ शामिल होना। तो जदीदियत के हामिल लोग जो हैं वो इस्लामी मुबाहसे में साइंसी, फलसफियाना और इसके अलावा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मीन के समाजियाती नुक्ते नज़र को शामिल करने की वकालत करते हैं, ताकि ईमान की वसी तर तफहीम को प्रमोट किया जा सके। देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सियासी पहलू क्या हैं। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, जमहूरियत और हुक्मरानी। इस्लामी जदीदियत के हामिल अफराद अक्सर जो जमहूरी अकदार हैं उनकी वकालत करते हैं और ये दावा करते हैं कि इस्लाम जो है वो इंसाफ, मशावरत और अवामी फलाह की हमायत करता है और वो सियासी अमल में जो फाल शमूलियत है उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं। देन नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट,
द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट चैलेंज ट्रेडिशनल इस्लामिक गवर्नेंस लीडिंग मॉडर्निस्ट टू एक्सप्लोर वेज टू अडॉप्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स टू फिट कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिस्टम। कौम रियासत का तसव्वुर, कौम रियासत का अरूज या उभार रवायती इस्लामी हुक्मरानी के लिए चैलेंज है, जिसकी वजह से जदीदियत के हामिल अफराद ने इस्लामी असूलों को जदीद सियासी निज़ामों के मुताबिक ढालने के तरीके भी तलाश किए हैं। ये इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जिसमें डेमोक्रेसी और गवर्नेंस है, और हमने डिस्कस किया नॉन स्टेट कॉन्सेप्ट को। देन हम देखते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को, इसके इक्तसादी पहलुओं को। इसमें इस्लामिक इकोनॉमीज है, एड्रेसिंग पॉवर्टी है। तो इस्लामी मईशत तो जो है वो इस्लामी जदीदियत ने इस्लामी बैंकिंग और मालियात की तरक्की की भी राह हमवार की, जो इस्लामी इखलाकी दायरे में जदीद इक्तसादी असूलों को अपनाने की कोशिश करती है। देन मॉडर्निस्ट एम्फसाइज द नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज दैट एलिवेट पॉवर्टी एंड प्रमोट इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुर्बत का हल, इसमें जदीदियत के जो हामिल लोग थे उन्होंने इक्तसादी तरक्की, समाज इंसाफ की जरूरत पर वो जोर देते हैं और ऐसी पॉलिसियों की वो वकालत करते हैं जो गुर्बत को कम करती हैं और दौलत की मुनफाना तकसीम को फरोग देती हैं। ये इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सोशल एस्पेक्ट्स को, जो कि जेंडर इक्वालिटी है और सिविक इंगेजमेंट है। जेंडर जो इक्वालिटी है यानी जो सिनफी मसावात हैं इसके अंदर, तो इस्लाम जदीदियत खवातीन के हकूक़ की भी वकालत करती है। सिनफी मसावात और ख़वातीन की जो माशरे में शमूलियत है उसकी भी अहमियत, इसके बारे में भी अहमियत देती है, उसके ऊपर एम्फसाइज करती है। जदीदियत के जो हामिल अफराद हैं वो इस्लामी जो यानी टेक्स्ट है तो इसके तशरीह भी करते हैं ताकि ख़वातीन की तालीम और बाख्तियारी की हमायत की जा सके। देन सिविक इंगेजमेंट है, मेन शहरी शमूलियत। तो जदीदियत के जो हामिल अफराद हैं वो मुसलमानों को अपनी कम्यूनिटीज़ में फ़ाल तौर पर शामिल होने की तरगीब देते हैं, और इसके अलावा इस्लामी तालीमात की बुनियाद के ऊपर समाजी जिम्मेदारी और इखलाकी तर्ज अमल को भी प्रमोट करते हैं। सोशल एस्पेक्ट्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन एस्पेक्ट्स को, जिसमें आता है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स, तालीमी पहलू मीन के तालीमी निज़ाम की इस्लाह। तो इस्लाम जो है, इस्लामी जदीदियत इसके जो हामिल अफराद हैं वो रवायती तालीमी निज़ामों में इस्लाहात की कोशिश करते हैं ताकि जो मजहबी तालीम है उसके साथ साथ जो जदीद अलूम है और इसके अलावा तनकीदी सोच है या पेशा वराना तरबियत है इसको शामिल किया जा सके। तो उसके बाद है साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रमोशन। सो वो जो मुख्तलिफ शोबे हैं इनमें इल्म के हसूल की ये वकालत करते हैं, और इसके अलावा इसमें जो ये कहते हैं कि साइंसी तरक्की इस्लामी इकदार के साथ हम आहंग है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मगरब में मुस्लिम तालीमात की तरवीज को, डिसमिनेशन ऑफ मुस्लिम लर्निंग इन द वेस्ट, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इसका क्या है, तारीखी पस मंजर। तो मगरब में मुस्लिम इल्म का तारफ का आगाज इस्लामी जो कि सुनहरी दौर था 8th to 14th century, 8वीं से 14वीं सदी से ये होता है, और जब बहुत से साइंसी और फलसफियाना जो मतवन है टेक्स्ट है उसको लातीनी में तर्जमा किया गया, जिसने यूरोपी फिक्र पर भी असर डाला। देन कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस, जदीद असर। तो हालिया जो दहाई हैं, रीसेंट डिकेड्स हैं, इनमें मुस्लिम उलमा और दानिशवरों ने इस्लामी फिक्र और सकाफत को मगरबी जो ऑडियंस है, सामीन है, उन तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ये आलमी जो नोयत है और इसके अलावा बढ़ती मवसलात की वजह से मुमकिन हुआ है। देन हम डिस्कस करते हैं इसकी की कंट्रीब्यूशंस को, इसके कलीदी जो अहम जो शराखते हैं जिसमें स्कॉलरी एक्सचेंज है, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च है। सो मारूफ जो मुस्लिम उलमा हैं जैसे फखर रहमान और तारिक रमज़ान ने इस्लामी और मगरबी फिक्र के दरमियान मुकालमे में हिस्सा लिया, और इसके अलावा जदीद जो मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत की और बाहमी तफहीम को भी, अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल कोरीन है और उसके बाद अल अजहर यूनिवर्सिटी है, इस तरह के इदारे जो हैं वो इस्लामी तालीमात के मराकज़ बन चुके हैं जो मगरबी यूनिवर्सिटी और उलमा के साथ तबादले की हौसला अफजाई करते हैं। सो इसके बाद चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, यानी चैलेंजेस और गलत फहमियाँ। सो समझ बूझ के फ़रोग की कोशिशों के बावजूद इस्लाम के बारे में अक्सर गलत फहमियाँ मौजूद हैं, फ्यूल्ड बाय स्टीरियोटाइप्स एंड नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रेल्स, और इसके अलावा जो रवायती तस्वीरात हैं और मनफी मीडिया की पेशकशों की वजह से ये बढ़ रही हैं। तो इस्लामिक मॉडर्निस्ट स्ट्राइव टू क्लैरिफाई दीज मिसअंडरस्टैंडिंग बाय प्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ इस्लाम,
दैट एम्फेसाइज पीस टॉलरेंस एंड इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट। और इस्लामी जो जदीदियात है इसके हामिल अफराद उन गलत फहमों को वाज़ करने की कोशिश करते हैं और एक मतवाजन नुक्ता नज़र एक बैलेंस नुक्ता नज़र पेश करते हैं जो इस्लाम के अमन बर्दाश्त और ज़हनी मशगूलियत के ऊपर जोर देता है। सो इस इमरजेंस ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट्स अ डायनेमिक रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी विद इन इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी जदीदियत का उभार मुस्लिम दुनिया में जदीदियत के चैलेंज का मुतहरिक जवाब जाहिर करता है और जो तनकीदी सोच है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं मीन के जो जमहूरी अकदार हैं और समाजी इंसाफ के फ़रोग के ज़रिए तो इस्लामी जदीदियत के हामिल अफराद इस्लामी तालीमात और जदीद ज़िंदगी के दरमियान एक आहंगी पैदा करने का इरादा भी रखते हैं। सो मगरब में मुस्लिम इल्म की तरवीज डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करती है। सो इसके अलावा सकाफती इख्तलाफात को कम करती है। So as the world continues to evolve, the role of Islamic modernism in shaping the future of Muslim societies remains crucial, emphasizing the compatibility of faith and modernity. और जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती है इस्लामी जदीदियत का किरदार मुस्लिम माशरों की मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रहता है और ईमान और जदीदियत के दरमियान जो है वो आहंगी पर भी जोर देता है। So इस्लामी जदीदियत के उभार हमने डिस्कस किया, इस्लामी जदीदियत की तारीफ क्या है, इस्लामी जदीदियत एक ऐसी तहरीक है जो इस्लामी अकायद को जदीद अकदार ख्यालात और तरीकों के साथ आमांग करने की कोशिश करती है। देन हमने स्टडी किया कि इस्लामी जदीदियत के उभार की वजह कौन से तारीखी वाक़ियात हैं, तो 19 और 20 सेंचुरी के आगाज़ में इस्तेमारी हुक्मरानी इक्तसादी चैलेंजेस और सकाफती तब्दीलियाँ इस्लामी जदीदियत के उभार की अहम वजूहत हैं। देन हमने डिस्कस किया कि इस्लामी जदीदियत की तहरीक में अहम शख्सियात कौन सी थी, जमालुद्दीन अफगानी, मोहम्मद अब्दा, सैयद अहमद खान जैसी ये शख्सियात इस्लामी जदीदियत की तहरीक में अहम किरदार अदा करती हैं। सो इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि इस्लामी जदीदियत के बुनियादी मकासद क्या हैं। इस्लामी जदीदियत के मकासद में इस्लामी इकदार के का जमहूरी असूलों के साथ इंजमाम और अफराद और जमातों को बाख्तियार बनाना। और पॉइंट टू हमारा था कि इस्लामी जदीदियत के ज़हनी सियासी इक्तसादी समाजी और तालीमी पहलू। सो इस्लामी जदीदियत मुसलमानों में तनकीदी सोच को किस तरह से फ़रोग देती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है। तो इस्लामी जदीदियत तनकीदी सोच और आज़ाद इतिहाद की हौसला अफजाई करती है ताकि मुसलमान जदीद मसाइल पर अकली तजिया कर सकें। नेक्स्ट है ये हमने डिस्कस किया कि इस्लामी जदीदियत के हामिल लोग कौन सी सियासी इकदार की वकालत करते हैं। वो जमहूरियत, इंसाफ, मशावरत और अवामी फलाह की हमायत करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इस्लामी जदीदियत ने इक्तसादी तरीकों पर क्या असर डाला है। इस्लामी जदीदियत ने इस्लामी बैंकिंग और मालियात की तरक्की की राह हमवार की है जो इस्लामी असूलों के दायरे में जदीद इक्तसादी तरीके अपनाती है। सो इस्लामी जदीदियत के हामिल अफराद सिनफी मसावात को किस तरह एड्रेस करते हैं। वो खवातीन के हकूक की वकालत करते हैं और इस्लामी मतवन की नई तशरीह करते हैं ताकि खवातीन की तालीम और बाख्तियारी को प्रमोट किया जा सके, उसको फोस्टर किया जा सके। देन हमने डिस्कस किया कि इस्लामी जदीदियत में तालीमी निज़ामों के लिए क्या इसलाह तजवीज़ की गई हैं। इस्लामी जदीदियत रवायती तालीमी निज़ामों में इसलाहत की कोशिश करती है ताकि जदीद अलूम तनकीदी सोच और पेशा वराना तरबियत को शामिल किया जा सके। थर्ड हमारा पॉइंट था कि मगरब में मुस्लिम तालीमात की तरवीज किस तरह से हुई। इस्लामी सुनहरी दौर ने मगरब इल्म में क्या किरदार अदा किया। इस्लामी सुनहरी दौर के दौरान साइंसी और फलसफियाना मतवन का लातीनी में तर्जमा हुआ जिसने मगरबी फिक्र को मुतासर किया। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि मौजूदा मुस्लिम उल्मा इस्लामी फिक्र को मगरब में फ़रोग देने में क्या किरदार अदा करते हैं। मुस्लिम उल्मा इस्लामी फिक्र और सकाफत को मगरब में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं ताकि जो आपस की यानी अंडरस्टैंडिंग है, बामी तफहीम है और डायलॉग्स हैं इनको बढ़ाया जा सके। देन मगरबी माशरों में मुस्लिम इल्म की तरवीज में कौन सी चैलेंजेस थे जो दरपेश हैं, तो गलत फहमियाँ, मनफी मीडिया की पेशकश और रवायती तस्वरात मगरब में मुस्लिम इल्म के तरवीज में चैलेंजेस पैदा करते हैं। सो देन हमने डिस्कस किया कि मरूफ मुस्लिम उल्मा इस्लामी और मगरबी फिक्र के दरमियान मुकालमे में किस तरह हिस्सा लेते हैं। तो इसका ये इस तरह से कह सकते हैं कि मरूफ मुस्लिम उल्मा जदीद मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और दोनों सकाफतों के दरमियान मुश्तरकात तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। जो दोनों सकाफतों के दरमियान मुश्तरक चीज़ें होती हैं उनको देखने की, उनको जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पे हमने देखा कि मुझे मौजूदा मुस्लिम माशरे में इस्लामी जदीदियत की अहमियत क्या है। इस्लामी जदीदियत मुस्लिम माशरे में जदीदियत के चैलेंजेस का जवाब देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और ये ईमान और जदीद जिंदगी के दरमियान एक पुल फराहम करती है।
इसके बाद जो हमने इसमें स्टडी किया कि इस्लामी जदीदियत जो है वो ईमान और जदीदियत के दरमियान खलीज को किस तरह ख़त्म करने की कोशिश करती है, इस्लाम जदीदियत तनकीदी सोच जमहूरी अकदार समाजी इंसाफ को फ़रोग देते हुए ईमान और जदीदियत के दरमियान हम आहंगी पैदा करती है। लेकिन हमने देखा कि आज के दौर में मुस्लिम इल्म और मगरब फिक्र के दरमियान मुकालमा क्यों अहम है। इस मुकालमे की अहमियत इसलिए है कि यह सकाफती इख्तलाफात को कम करता है और बाहमी तफहीम को बर्दाश्त को और तामन को फ़रोग देता है। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस्लाम और जदीदियत की मौजूदा दुनिया में, और इसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस्लामी जदीदियत का और अरूज, इस्लामी जदीदियत के जहनी सियासी इकतसादी समाजी और तालीमी पहलू, और लास्ट पे हमने पॉइंट डिस्कस किया मगरब में मुस्लिम तालीमात की तरवीज। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।